बाबा बर्फानी की जय कहते हैं। बाबा बर्फानी की जय क्यों कह रहा हूं मैं, जय जय बाबा बर्फानी। अब इसकी बात करते हैं। ये खबर भी हमसे और आपसे जुड़ी है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बाबा के भक्तों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, आपसे जुड़ी खबर है, पूरा अपडेट बताना पड़ेगा ना भाई, कब जाना है, कैसे जाना है। इसलिए चलिए अब बाबा बर्फानी के दरबार की बात कर लेते हैं। चहलकदमी शुरू हो गई है, भोले के भक्त झूमने लगे हैं, तैयार हैं मुश्किल रास्तों से होते हुए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। साल में एक बार बाबा का दर्शन होता है, मतलब समझ रहे हैं लोगों में कितना उत्साह रहता है, कितना उत्साह रहता है। मैं भी गया हूं, मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे रात में, कैसे दिन में, हर समय पहाड़ चढ़ने को लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि पूरा साल इंतजार करते हैं, पैसा जमा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। श्रद्धा की मिसाल है अमरनाथ यात्रा। हर कोई चाहता है कि एक बार जिंदगी में बाबा बर्फानी का दर्शन हो जाए, ताकि जिंदगी धन्य हो जाए। मैं अपनी कहानी बता देता हूं, बड़ी संक्षिप्त है। मैं गया था 370 के दौरान, बाबा बर्फानी को कवर करने गया था मैं, और बाबा का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि 2 महीने कश्मीर में ही रह गया, और 370 जब हटाया गया वहां से, तब मैं 2 महीने कश्मीर में था। और वहां बाबा बर्फानी के दर्शन करने जब गया, तो मैं वहां CRPF के कैंप में था, वहीं रहता था, वहीं खाता था, लंगर लगते हैं, खूब अलग अलग खाना फ्री में लोग खिलाते थे। आप लोग भी जाइएगा। अब ये तस्वीर देखिए ना, भोपाल की तस्वीर है, कैसे महिला युवक हर कोई कतार में खड़े होकर एकदम से उत्साहित हैं, बम बम भोले का नारा लगा रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा की जीवंत तस्वीर देखने के लिए सब लोग उमंग में दिखाई दे रहे हैं। मालवा एक्सप्रेस से 308 महाकाल के भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। विस्तार न्यूज सब कुछ आपको दिखाएगा, स्टेशन पर कैसा माहौल है, श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं, सब कुछ देख लीजिए। और हाँ, जो लोग देख रहे हैं अपने परिवार को भी दिखा दीजिएगा कि देखिए भाई आप सुरक्षित जा रहे हैं, ये विस्तार न्यूज का कैमरा फॉलो कर रहा है। अधिकारी से लेकर महिला और बच्चों तक में कैसा उमंग है, हमारे सहयोगी और मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने पूरा माहौल दिखा दिया है, लोगों से बात की है, क्या कह रहे हैं जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट देख लीजिए श्याम सिंह तोमर की, दिखाइए भाई। आपकी क्या तैयारी? मैं कई सालों से जा रहा हूँ और मंडल की बहुत व्यवस्थाएं अच्छी है, इसीलिए महिलाएं भी ज्यादा जा रही है। अच्छे, लगातार 17 सालों से भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, और हर साल त्रिशूल लेके जाता हूँ और भारत माता का झंडा लेके जाता हूँ। बच्चा साथ नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ, पिछले 4 साल से जा रहा हूँ भैया के साथ, हमारे समिति के मेन अध्यक्ष यही हैं, इन्हीं के साथ मैं जा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे, और वहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं हो। बम भोले, मेरे को जाते हुए कम से कम 15 साल हो गया है, मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा, सब अच्छे से जाएंगे और सबके अच्छे से दर्शन होंगे, जय भोलेनाथ की। हर तरह के लोग हैं, हर तरह के एक्सपर्ट लोग हैं, और सभी सबको समय समय पे सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हैं। हमारी टीम में से कोई भी मेंबर किसी भी प्रकार से तकलीफ में न रहे, उसकी पूरी सुरक्षा। देख लिए ना, बहुत बड़ी यात्रा है, भारत के मस्तक की यात्रा है। लोग सोचते हैं, कतराते हैं कि भाई कैसे जाएंगे इतनी दूर, लेकिन एक परिवार ऐसा है जिसकी 3 पीढ़ी एक साथ अमरनाथ की यात्रा कर रही है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या जवान, महादेव के नाम पर सबके हौसले बुलंद हैं। देख लीजिए श्याम सिंह तोमर की ये रिपोर्ट भी। आप भी जा रही हैं यात्रा पर, आपने कैप लगा रखी है? जी बिल्कुल, मैं भी जा रही हूँ। हाँ, क्या तैयारी की आपने? तैयारी, पूरी तैयारी, हम लोग घूमने गए थे सुबह मॉर्निंग, बहुत बहुत जरूरी है वहाँ जाने के लिए, और फिटनेस का काफी ख्याल रखा, और अभी हम लोग बहुत उत्साहित हैं जाने के लिए। फर्स्ट टाइम जा रही हैं? जी नहीं, मेरा सेकंड टाइम है। तो कितने दिन का टूर है ये? ये 10 दिन का है वैसे तो, अभी हम 26 तारीख को आज निकल रहे हैं, 6 तारीख को वापस आएंगे। माता जी आप भी जा रही, कैप लगाई आपने, क्या क्या तैयारी आपकी? बहुत अच्छी तैयारी कर रही। पहली बार जा रही हैं? हाँ पहली बार जा रही है। और साथ में परिवार भी है मुझे? हाँ, बहन वगैरह। आप भी साथ में, आप इनकी बहन है? हाँ, छोटी बहन है। क्या तैयारी की आपने? सब कुछ तैयारी करी, जो जो वहाँ पर लगता है। चलना चाहिए, पहाड़ का है तो वहाँ पर कैसे सांस फूल सकती है, ये सब तैयारी की? तैयारी करी, योगा वगैरह सब किया है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो घुड़सवारों का इंतजार करते हैं, फिर घुड़सवारों से रेट तय करते हैं,
फिर जब लौट कर आते हैं लस्त हो जाते हैं, पस्त हो जाते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं ना, जब आप जाते हैं तो आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं होता, आप इतने उत्साहित होते हैं, इतने उत्साहित होते हैं। मैं उस पूरे परिस्थितियों को फील कर चुका हूँ। खूब ठंड है और पहाड़ कई बार गिरता रहता है, जहाँ पानी छू वहाँ इतनी ठंड की लगता है नहा के कैसे दर्शन करें, लेकिन उसके बाद भी जब आप जाओ तो बाबा में इतनी शक्ति है कि आपको दर्शन करवा कर आशीर्वाद देकर ही भेजते हैं। ऐसी तस्वीर आप पूरे देश में आपको देखने को मिलेगी। बाबा बर्फानी को लेकर लोगों में जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो आस्था है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और इस खबर पर मैं इतना वक्त इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लाखों लोग जाते हैं बिना किसी परवाह के, और इसलिए ये जो पूरी तस्वीर है, मकसद ये है कि विस्तार न्यूज़ के जरिए आपके परिवार के लोग अगर आपको देख रहे हैं तो कम से कम ये समझ पाएं कि आप सकुशल जा रहे हैं, आप उत्साहित जा रहे हैं। क्योंकि जब अमरनाथ की यात्रा के लिए लोग जाते हैं, केदारनाथ की यात्रा के लिए लोग जाते हैं, तो चिंतित भी होते हैं। वो ये मान कर जाते हैं कि हम बहुत जोखिम भरे यात्रा को गले लगा लिए हैं और दर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए आप सुरक्षित पहुँच रहे हैं, बहुत उत्साहित पहुँच रहे हैं, इसलिए सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तारीख याद रखिएगा, 29 जून, जब अमरनाथ यात्रा के पूरे रास्ते पर बम बम भोले की गूंज सुनाई देगी। मैं कोशिश करूंगा कि अमरनाथ यात्रा से ही आपको तस्वीर दिखाऊं। चलिए आज ये भी, अगर बाबा चाहे तो मुझे भी बुला लेंगे। मुकेश दरे, आप तैयार रहिएगा, आपको आप ही को जाना पड़ सकता है। खैर, इसी दिन पहला जत्था रवाना होगा। जम्मू से लेकर पहलगांव होते हुए बाबा बर्फानी के दरबार तक पूरा माहौल भोलेमय रहेगा। जम्मू पूरा तैयार है। 26 जून यानी कि आज से जम्मू में ऑफलाइन टोकन का काम भी शुरू हो गया है। सब कुछ बता रहा हूँ। अब देखिए, भोले बाबा का कपाट तैयार है, प्रशासन तैयार है, भोले बाबा के भक्त तैयार हैं, तो तैयारी दिखाना तो बनता है। क्या क्या प्रबंध किया गया है, सब कुछ दिखा दीजिए, दिखाइए भाई। कश्मीर में लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में स्थित बाबा बर्फानी की एक गुफा की श्रद्धा और आस्था अपने आप में अद्भुत है। इस यात्रा को बेहद दुर्गम माना जाता है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अमरनाथ गुफा की यात्रा को लेकर सरकार हमेशा विशेष तैयारी में रहती है। जून, जुलाई और अगस्त महीने में चलने वाली इस यात्रा पर सुरक्षा और सुविधा का खास इंतजाम किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय मीटिंग के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए थे। सुरक्षा की बात की जाए तो सेना के साथ साथ अर्धसैनिक बल और स्पेशल फोर्सेस की विशेष तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों के अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी यात्रा की विशेष निगरानी रखी जाएगी। अगर यात्रियों को इस बार मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो तत्काल पंजीकरण सुविधा 26 जुलाई से उपलब्ध करा दी गई है। इसके लिए जम्मू में विभिन्न स्थानों पर 5 केंद्र स्थापित किए गए हैं। जम्मू में एक टोकन केंद्र भी बनाया गया है। पंजीकरण और टोकन केंद्रों में शेड और टेंट भी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए RTC की बस की सुविधा की भी पहल की जा रही है। बात अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की करें तो यात्रा मार्ग पर 55 चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसमें 6 बेस अस्पताल शामिल है। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित किया गया है। यात्रा के लिए 173 विशेषज्ञों, 244 चिकित्सा अधिकारियों और 998 पैरामेडिकल कर्मी सहित 1415 स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी को तैनात किया गया है।